दोस्तों एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इस बैंक के द्वारा ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हमें दिया जाता है। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इस अकाउंट के फीचर्स हैं, इन सब के अलावा कौन कौन से हिडन चार्जेस इस अकाउंट के हैं, पॉइंट टू पॉइंट इस अकाउंट से जुड़ी हुई सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें एक्सिस बैंक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या हमें ये अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। देखो यहां पर सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि अगर मान लीजिए मैं अपना सेविंग्स अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन भी कर लेता हूं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि अगर मान लीजिए कल को मैं अपना कुछ पैसा एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट भी करता हूं, तो क्या मेरा जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है यह एक्सिस बैंक के अंदर सुरक्षित है? देखो एक्सिस बैंक डीआईसीजीसी से अप्रूव्ड है। अब यह डीआईसीजीसी क्या है? डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। डीआईसीजीसी सिंपली हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब इसे मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कल को मैं एक्सिस बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूं और मान लीजिए मेरे 5 लाख रुपए इस एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किए थे। अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि नहीं होने वाला, मान लीजिए एक बार के लिए कल को एक्सिस बैंक डूब जाता है, इस केस में डीआईसीजीसी ने एक्सिस बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस केस में डीआईसीजीसी यानी जो आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, ये मेरे 5 लाख रुपए मुझे वापस लौटा देगी। अब एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किए थे और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि नहीं होने वाला, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये एक्सिस बैंक कल को डूब जाता है, तो इस केस में भी डीआईसीजीसी मुझे केवल 5 लाख रुपए ही वापस देगा, क्योंकि डीआईसीजीसी हर कस्टमर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इस केस में सीखने की बात यह है कि डीआईसीजीसी हर कस्टमर को केवल 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब यहां पर पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा बैंक है और बहुत ही सुरक्षित बैंक है, यानी हमारी जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाली। इन केस अगर खुद को आपको डर लगता है कि कल को कहीं आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करें और उसके अंदर कुछ पैसा जमा करें और कहीं ये बैंक डूब ना जाए, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है, तो पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 5 लाख रुपए से ज्यादा फिर आप इस बैंक में डिपॉजिट ना करें, क्योंकि 5 लाख रुपए तो सरकारी डीआईसीजीसी जो कि आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, वो हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करती ही करती है। अब दूसरा पॉइंट हम यहां पर यह देख लेते हैं कि इसमें मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है। अब इस केस में भी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हजारों लोगों ने YouTube पर वीडियोस डाली हुई हैं कि एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग। मैं यहां पर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर कर दूं कि एक्सिस बैंक किसी भी प्रकार का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता। आपको एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो ऐसी किसी भी गलत वीडियो के चक्कर में आप एक्सिस बैंक को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट सोच के अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन ना करें, क्योंकि एक बार आपको लगेगा कि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, अगर आप किसी गलत वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर आप इसमें जीरो ही बैलेंस रखेंगे, बैंक आपके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज कर देगा और आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा। तो ऐसी किसी भी गलत वीडियो के चक्कर में आप इस बैंक को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट सोच के ओपन मत करना। इस केस में अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो इनिशियल फंडिंग यानी अकाउंट ओपनिंग के टाइम एक बार आपको 16,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना जरूरी है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो इस केस में इनिशियल फंडिंग यानी अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको 15,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना जरूरी है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो इस केस में इनिशियल फंडिंग आपको 6,000 रुपए की करना जरूरी है, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो इस केस में आपको इनिशियल फंडिंग 3,000 रुपए की करना जरूरी है। ये तो बात थी इनिशियल फंडिंग की, लेकिन आपको मंथली एवरेज बैलेंस यानी मैप कितना मेंटेन करना है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपए मैप यानी मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद अगर आप किसी भी अर्बन एरिया में रहते हैं तो इस केस में भी आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो इस केस में आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो इस केस में आपको 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो यहां पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एज अ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट सोच के ओपन मत करना, और यहां पर मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी गलत वीडियो के चक्कर में आके उसके स्टेप्स देख के आप इस अकाउंट को एज अ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट सोचकर ओपन मत करना।
अब इस अकाउंट के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहां पर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपके सामने एक्सिस बैंक का एक एम्प्लॉय वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा और आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आपको एक्टिवेट करना है। एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जब आप यूज करेंगे तो उसमें ढेरों ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप एक दूसरे को अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सब के अलावा ऑनलाइन घर बैठे बैठे किसी भी सरकारी योजना यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब के अलावा आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ऐसे ढेरों फीचर यानी लगभग 80% काम आप घर बैठे बैठे एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। इन सब के अलावा इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी आपको एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद मिल जाएगी। यहां पर आपको ₹590 डेबिट कार्ड की फीस पे करनी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको डेबिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहां पर डेबिट कार्ड के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला है फिजिकल डेबिट कार्ड, दूसरा है वर्चुअल डेबिट कार्ड। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप अपने घर पर मंगवाते हैं तो उसकी फीस मैंने जैसे कि आपको बताई कि ₹590 की फीस आपको पे करनी है। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में डेबिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो स्क्रीन पर ही आपके डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपको आपका सीवीवी नंबर मिल जाएगा तो आप उसकी फोटो ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। यानी सालाना आपके ₹590 बचेंगे अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं। अब इस बैंक के चार्जेस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में अगर आप जीरो से लेकर के ₹1,000 तक अगर किसी को ट्रांसफर करते हो तो हर ट्रांजेक्शन के ₹2.5 लगेंगे। इसके अलावा अगर हजार से लेकर के ₹1,00,000 के बीच की अगर आप ट्रांजेक्शन आईएमपीएस के माध्यम से करते हैं तो उस केस में हर ट्रांजेक्शन के आपको ₹5 पे करने पड़ेंगे। अगर ₹1,00,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के ₹15 का चार्ज एक्सिस बैंक आपसे चार्ज करेगा। इन सब के अलावा इनिशियली आपको एक चेकबुक फ्री मिलेगी। अगर उसके बाद आप नई चेकबुक की रिक्वेस्ट एक्सिस बैंक को देते हैं तो हर चेकबुक के लिए आपको ₹100 की फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद मान लीजिए अगर आपने फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर ऑर्डर किया है और उस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ करते हैं तो महीने में आपको 30 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती है, चाहे आप एक्सिस बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करें या फिर किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करें, टोटल आपको 30 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के आपको ₹20 पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके बाद काफी लोगों का सवाल ये आता है कि क्या हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो ये एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट है क्या इसे हम एज अ जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं? वेल देखो, इस केस में आप जब ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो ऑनलाइन तो आपको इंडिविजुअल ही सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक बार जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप ब्रांच विजिट करके इजिली जिसके साथ भी इस अकाउंट को एज अ जॉइंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ब्रांच जाकर ही आपको ये रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। ब्रांच इजीली एक दिन के अंदर अंदर ही इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट बना देगी जिसके साथ भी आप इस जॉइंट अकाउंट को बनाना चाहते हैं। इसके बाद एट द एंड सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि मान लीजिए अगर आप एक्सिस बैंक का ये सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो इस केस में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ऑफर करेगा? तो इस केस में अगर आप अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में एक्सिस बैंक 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और अगर आप इस पैसे की फिक्स डिपॉजिट बना लेते हैं तो 390 दिनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सिस बैंक ऑफर करता है 5.25% का। वेल अब हमने एक्सिस बैंक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट के सारे फीचर्स, बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। कितना ये बैंक सिक्योर है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि ये अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है और आप अगर इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं
तो एक बार मैं उसका भी प्रोसेस आपको बता देता हूं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले नीचे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, यानी जो भी आपके पैन कार्ड पर नंबर लिखा है, वो एंटर करना है। नीचे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप एक्सिस बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर ये तीन डिटेल्स आपके आगे शो करेगा। पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। फिर नीचे फैमिली डिटेल्स फिल करनी है सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करनी है सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। नीचे ये पूछ रहा है कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और केवल इंडिया में ही टैक्स पे करता हूं, तो यहां पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे रिव्यू एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आपको चेक एजेंट अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो केवाईसी होने के बाद यहां पर ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इनिशियल फंडिंग इस अकाउंट में कर दीजिए। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 15,000 रुपए आपकी इनिशियल फंडिंग है, साथ में 590 रुपए आपकी डेबिट कार्ड की फीस है, तो टोटल आपको 15,590 रुपए की फीस पे करनी होगी। नीचे आपको ऐड 15,590 रुपीस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी हिसाब से जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी जगह पर आप रहते हैं, आपके हिसाब से जो भी आपके एड्रेस के हिसाब से ये इनिशियल फंडिंग आपको शो करेगा। उसके बाद यहां पर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपको डेबिट कार्ड की आपकी फोटो शो करेगा, बैक साइड में यहां पर ये आपका सीवीवी नंबर शो करेगा। डेबिट कार्ड एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस एक्सिस बैंक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का। तो इस केस में मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके बाद जो एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करनी है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि एक्सिस बैंक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट से जुड़े सारे सवालों के डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं सारे कमेंट्स का आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।